आजकल एक मोबाइल फोन को लेना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे लोग। अब हो भी क्यों ना हो मेरे भाई, हर दो दिन में चार दिन में एक नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है, पैदा हो जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बर्थ रेट कहीं पीछे ना हो जाए, ह्यूमन का और मोबाइल का जो बर्थ रेट है वो रेशियो कहीं बढ़ ना जाए। हो सकता बढ़ भी गया होगा। अगर आप शादी ब्याह भी करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कन्या खोजने में इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए जितना कंफ्यूज आप एक स्मार्टफोन लेने में होते हो। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं रियलमी 7i के बारे में, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 7i के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस Realme 7i 7 अक्टूबर को 12:30 बजे लॉन्च हो जाएगा, बोले तो पैदा हो जाएगा यहां पे। और लोग फिर से कंफ्यूज होने वाले हैं कि भाई Realme 7i लें, 7 लें या फिर 6i लें या 6 लें। मुझे तो समझ में नहीं आता मेरे भाई, बोले तो मेरे भाई Realme को मैं खास करके बोल रहा हूं कि मेरे भाई आप जो हफ्ता हफ्ता में मोबाइल लॉन्च कर देते हो, आपको तो यहां पे फायदा हो जाता है, आप मोबाइल सेल करते हो और आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन जो लोग मोबाइल खरीद उनका तो रीसेल वैल्यू खत्म आप कर देते हो पूरी तरीके से। बेचारा एक हफ्ता पहले मोबाइल लिया है वो तो अब पुराना हो गया, आप एक हफ्ता के बाद फिर मोबाइल लॉन्च करके देते हो, तो ये एक गलत चीज है। फिलहाल चलो ये टॉपिक पे तो कभी और हम डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा इस टॉपिक पे, खास करके रियलमी को बताने के लिए, ठीक है। फिलहाल ये जो रियलमी 7i लॉन्च होने वाला है, सबसे पहले हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। अब प्राइसिंग के बारे में इसलिए क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से ही डिसाइड करने वाले हैं कि रियलमी 7i अच्छा है बुरा है क्या है नहीं है सब कुछ। तो यहां पर रियलमी 7i जो लॉन्च होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड प्राइस यहां पर बताया जा रहा है कि 15,000 से 16,000 के बीच में होगा। अब एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर 15,000 से 16,000 के बीच में होता है तो मुझे खास करके पसंद नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा मैं आपको बता देता हूं। ये Realme 7i में जो प्रोसेसर दिया गया है मेरे भाई, वो एक पुराना प्रोसेसर दिया गया है, स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर आपको Realme 7i में मिलेगा। अब क्या तुक बनता है मेरे भाई, जब आप 13,000 में Helio G90T दे देते हो, इतना अच्छा प्रोसेसर दे देते हो, एज कंपेयर एज अगर हम दोनों को परफॉर्मेंस को अगर मिलाते हैं 662 स्नैपड्रैगन को और यहां पे Helio G92 से कंपेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है Helio G90T प्रोसेसर काफी अच्छा है। अब आप जो यहां पे Realme 7i लॉन्च कर रहे हो 15,000 से 16,000 में अगर आप लॉन्च करते हो और ये प्रोसेसर देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा डील होगा, क्योंकि आपने तो लत लगा दिया भाई एक अच्छा प्रोसेसर एक अच्छे प्राइस में। फिर आप एक 15,000 से 16,000 का फोन निकालोगे और आप वहां पे दोगे ये चीज, जहां तक मुझे लगता है कि 15,000 या फिर 15,000 के ऊपर ही इसका रेट होने वाला, 14 तो नहीं होने वाला। अगर 14 होगा तो मेरे भाई फिर Realme 7 फिर क्या, मतलब बहुत मैं क्या ही बोलूं यार, मैं जब कंफ्यूज हो जा रहा हूं तो आप लोग तो बिल्कुल ही हो गए ना कि भाई Realme 7i नया मोबाइल लॉन्च हुआ चलो ले लेते हैं। अब भाई एडवर्टीजमेंट भी ऐसा होता है मेरे भाई कि आपको कंफ्यूजन होना लाजमी हो जाती है। फिलहाल चलो यहां पे आपको Realme 7 में 662 वाला यहां पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर ये 15,000 के नीचे आएगा तो भाई 7i का क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला नहीं होना, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस Realme 7i के कैमरा के बारे में बात करें तो यहां पे पीछे की तरफ चार वो कैमरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 2 मेगापिक्सल आपको यहां पे मिल जाएगा माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 16 मेगापिक्सल का आप फ्रंट कैमरा सिंगल आपको यहां पे मिल जाएगा। अब यहां पे कुछ क्या सेम एज इट इज 7 के ही तरह आपको कैमरा यहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे ये छोटा भाई बड़ा भाई जो भी बोल लीजिए 7 का, लेकिन यहां पे अभी सेंसर नहीं बताया गया है कि कौन सा सेंसर इसमें मिलने वाला है, बताया नहीं गया, वो हमें 7 अक्टूबर को पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे Realme 7 में जो सेंसर दिया गया था सोनी IMX682, वही सेंसर आपको Realme 7i में भी मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहां पे डिस्प्ले जो आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन इस बार आपको रिफ्रेश रेट में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। यहां पे रिफ्रेश रेट 60 और 90 Hz का रिफ्रेश रेट आपको Realme 7i में मिल जाएगा मेरे भाई। लेकिन अभी तक गोरिल्ला ग्लास कौन सा दिया गया है वो भी अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा फुल रिव्यू आपका भाई बना देके डाल देगा इस चैनल पे। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं भाई, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लेना। लेकिन अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहां पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ 18 वाट की आपको क्विक चार्ज आपको यहां पे मिलेगी। भाई
क्या ही कर रहे हो भाई, मतलब 15,000 में आप लॉन्च किए नजरो 20 प्रो, उसमें आप 65 देते हो, और यहाँ पे 7i लॉन्च करो तो 18 देते हो, कम से कम 30 दे देते मेरे भाई, कम से कम 20 दे देता, 18 किस तुक से दिए भाई। तो गाइस कुल मिला के यही कुछ स्पेसिफिकेशन था, हल्का फुल्का सच मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब डायरेक्टली बात करते हैं मुद्दे की, अगर ये मोबाइल का प्राइस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, अगर आप 15,000 में भी लॉन्च कर देता है तो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि भाई हम रियलमी 7i 7 ले या फिर 7i ले। अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कैमरा देखोगे, बैटरी देखोगे, तो मेरे हिसाब से आपको रियलमी 7 ही लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको 5000mAh की वैसी बैटरी मिल रही है, प्रोसेसर भी काफी अच्छा आपको मिलेगा, कैमरा भी एज इट इज अच्छा ही मिलने वाला है। तो सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पे कि इसका प्राइस क्या आएगा। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए मेरे भाई।